खबर बलरामपुर जिले से है, जहां छत्तीसगढ़ ने सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को मानते भत्ता बढ़ाया तो गया है, लेकिन इससे आंगनबाड़ी संघ नाखुश नजर आ रहे हैं। इसको लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने एक बार फिर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का कहना है कि जब तक हमारी 9 सूत्री मांगें पूरी नहीं होती हैं, तब तक अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि कलेक्टर दर पर मानदेय मिलना चाहिए था। इसके साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने मिनी आंगनबाड़ी को आंगनबाड़ी का दर्जा देने की मांग की है। हमारे पास तो रंग गुलाल खरीदने को भी पैसा नहीं है। अभी तो हमने ऐसा नहीं किया है और ना हम ऐसा करना चाहते हैं, जब तक हमारी और हम आगे भी लड़ाई लड़ेंगे और जब तक हमारा केंद्र सरकार हमारी अब कितना बढ़ाती है उसको भी हम देख लेते हैं, इसके बाद हम आगे हड़ताल को सोचेंगे। और जब तक हमारा मीटिंग नहीं होती है, बैठक नहीं होती है, तब तक अभी तक डिसीजन कैंसिल है। महिला बाल विकास विभाग में काम करते आ रहे हैं और वर्षों से हम आर्थिक शोषण से जूझ रहे हैं। अभी हाल में ही हमारी प्रदेश की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएँ पूरा अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन में बैठी। माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय मुख्यमंत्री जी को, हम दोनों प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी को संदेश देना चाहते हैं कि 8 मार्च के उपलक्ष्य में उन्होंने जो महिलाओं के लिए, जो अभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए जो बढ़ोतरी की, उससे हम खुश नहीं हैं, ना खुश हैं। हमारी जो मांगे थी वो मांगे वो पूरी नहीं।